नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 292 एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। नंबर एक, बारिश और बाढ़ से हिमाचल उत्तराखंड में भारी तबाही। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण जबरदस्त तबाही हो रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाके हैं, जहां पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से जगह जगह लंबा जाम लगा है और यहां पर आए टूरिस्ट फंस गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सोमवार से ही भारी बारिश हो रही है। बादल फटने से आए फ्लैश फ्लड को करीब 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों का रेस्क्यू करना बाकी है। नंबर दो, लद्दाख बना 100% वैक्सीनेशन हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख अपने सभी निवासियों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसमें प्रवासी मजदूर, होटल श्रमिक और क्षेत्र में आजीविका कमाने वाले नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। लद्दाख की आबादी तो कम है, लेकिन क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण इलाके, खराब मौसम और आबादी के अलग अलग केंद्रों के कारण यह उपलब्धि कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। लद्दाख की सीमा पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान से लगती है। आपको बता दें कि लद्दाख उत्तर में काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में हिमालय तक फैला हुआ है। लद्दाख के पूर्वी छोर में अक्साई चीन मैदान शामिल हैं। अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है, हालांकि यह 1962 से चीनी नियंत्रण में है। नंबर तीन, फ्रांसीसी बास्टिल दिवस। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह 14 जुलाई 1989 को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बास्टिल के किले में धावा बोलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को औपचारिक रूप से फ्रांस में ला फेत नेशनल कहा जाता है। नंबर चार, ग्लोबल वार्मिंग से मलेरिया और डेंगू के मामलों में होगी अप्रत्याशित बढ़ोतरी। हाल ही में प्रसिद्ध लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार साल 2100 तक धरती के तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से मलेरिया और डेंगू के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने बाढ़ और सूखे के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। इस अध्ययन के अनुसार अभी की तुलना में लगभग 70 करोड़ अधिक लोगों को आने वाले समय में घातक बीमारियों का खतरा हो सकता है। नंबर पांच, सेनारी नरसंहार मामले की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। वर्ष 1999 में बिहार के सेनारी नरसंहार मामले में 13 दोषियों को बरी करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इस मामले में माओवादियों ने उच्च वर्ग के 34 लोगों की हत्या कर दी थी। सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 13 में से 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत से मामले के निपटारे तक सभी 13 दोषियों को आत्मसमर्पण करने की मांग की है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के किस बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस्लाम कला। आप में से उनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में सफलता हासिल करने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सेट। पेपर 1 और पेपर 2 के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड सभी विषय यानी इंग्लिश, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और हिंदी पर ये बुक्स उपलब्ध हैं। इनमें दिए प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे एक्सप्लेन आंसर्स। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने से आप परीक्षा के लिए हो जाएंगे 100% रेडी। आज ही खरीदें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।